हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक इंडिया वन में। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे फोन पे से मोबाइल रिचार्ज कैसे करते हैं। वैसे तो ये बेसिक जानकारी होते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो फिर ये आपके काम का होगा, तो आइए सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फोन पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो जैसे आप फोन पे एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो आपको होम पेज में कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोबाइल रिचार्ज का, डीटीएच रिचार्ज का। आप चाहते हो अगर मोबाइल रिचार्ज करना तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च बॉक्स आता है, और आपको यहाँ पे वो नंबर टाइप करना है जिसका आप मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हो, या फिर अगर वो नंबर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है जिसका आप रिचार्ज करना चाहते हो उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो नंबर सेव नहीं है तो आपको सिंपली सर्च बॉक्स में टाइप करना है। तो यहाँ पे हम अपना वो नंबर टाइप कर लेते हैं जिसका हम रिचार्ज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर एंटर कर लिया, सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है सिलेक्ट योर ऑपरेटर, यानी कि कौन सा सिम है आपका उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मेरा एयरटेल का है तो हम एयरटेल सिलेक्ट करते हैं। और अब आपके सामने यहाँ पे सिलेक्ट योर सर्कल का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे मैं बिहार एंड झारखंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपके सामने यहाँ पे नीचे कई सारे प्लान आ जाएंगे, जो भी प्लान सिलेक्ट करके आप रिचार्ज करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे रिकमेंडेड पैक्स है, यहाँ पे पॉपुलर प्लान है, यहाँ पे ट्रू अनलिमिटेड वाला पैक है, यहाँ पे फेस्टिव पैक है। कई तरह के आपको यहाँ पे प्लान मिल जाते हैं। जिस भी प्लान को आप रिचार्ज करना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल हम डाटा पैक रिचार्ज करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं 48 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे 48 रुपीस का मैं डाटा प्लान रिचार्ज करने वाला हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे नीचे आपने जो भी इस ऐप में बैंक अकाउंट ऐड किए रहेंगे वो बैंक यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, और नीचे रिचार्ज वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो अब आपके सामने UPI पिन डालने का ऑप्शन आता है, और अगर आपको नहीं पता है कि UPI पिन क्या है तो मैंने इस पे भी वीडियो बना रखा है कि इसको कैसे बनाते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना UPI पिन डालूंगा और नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारा मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा यहाँ से। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते, यहाँ पे जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारे बैंक से पैसे कट गए और यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज हो गया। सिंपली हम रिमाइंड लेटर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे फ्रेंड्स ग्रीन टिक लग चुका है, यानी कि हमारा रिचार्ज हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप लोग फोन पे से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप DTH रिचार्ज करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके रिचार्ज कर सकते हो। हमें उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नए वीडियो के साथ।